सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिए। हम देखते हैं कि डिजाइनर ने डेडपुल को एक फॉर्म में कैद कर दिया है जिसे डेडपुल हिल भी नहीं पा रहा। अब डेडपुल कहता है कि मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, जिस पे डिजाइनर कहता है कि तुमने अभी अभी मुझे मारने की कोशिश की है, तुम एजेंट जेस बर्न्स नहीं हो। जिस पे डेडपुल कहता है कि मैं डर गया था इसलिए मैंने तुम पे हमला किया था, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अब ये बताओ कि ये फॉर्म कब तक रहेगा। जिस पे डिजाइनर कहता है कि जब तक सिक्योरिटी वाले आकर तुम्हें पकड़ नहीं लेते। अब डेडपुल डिजाइनर को अब तक हुई सारी गलतफहमी के बारे में बताता है, और ये भी कि उसे जेस बर्न्स को मारने के लिए हायर किया गया था। अब डेडपुल कहता है कि मुझे तुम लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोगों को मारना मुझे पसंद है। मैं तुम्हें इन सब के लिए थैंक्स कहता हूँ। जिस पर डिजाइनर हंसने लगता है और कहता है कि जेस बर्न्स ने मुझे कभी भी किसी बात के लिए थैंक्स नहीं कहा। तब वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज आ जाती है, लेकिन डिजाइनर जेस बर्न्स के डेडपुल होने की बात किसी को नहीं बताता। अब वो दोनों डायरेक्टर के पास पहुँच जाते हैं। डायरेक्टर उनको बताता है कि अंटार्कटिका में खोजी दस्ते पे किसी ने अटैक कर दिया है। वो लोग किसी प्रोजेक्ट पेनीपेप्ट के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन वो जिस भी चीज़ पे काम कर रहे थे अब उन पे अटैक करने वाले भी उस चीज़ को देखकर पागल हो चुके हैं। हमें अब तक इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता है कि ये अटैक किसने करवाया। अब डायरेक्टर उनको पोलियक की पिक्चर दिखाता है, जिसे देखकर डेडपुल कहता है कि इसी को तो मैं मारना चाहता था। अब डायरेक्टर जेस बर्न्स से कहता है कि तुम्हें उसे मारने का मौका भी मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पिछले मिशन में जो एजेंट पत्थर बन गई थी उससे ये तो पक्का है कि गोर्गन वापस आ चुका है। ये एक पुरानी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अब तक छुपी हुई थी। हालांकि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जवानी में ख़त्म कर दिया था, लेकिन लगता है कि मैं गलत था। हमें सूचना मिली है कि डॉक्टर डिप्सन गोर्गन के अटैक से बच कर निकल गया है, लेकिन वो अंटार्कटिका में कहाँ छिप सकता है। एजेंट बर्न्स, तुम्हें डॉक्टर डिप्सन को पकड़ना होगा इससे पहले कि गोर्गन उसे पकड़ ले। वहाँ से निकलने के बाद डिजाइनर डेडपुल से कहता है, जब तुम आग में जले थे उससे पहले मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, लेकिन तुम अपना काम पूरा कर रहे हो, और जब तक तुम अपना काम करते रहोगे तब तक मैं तुम्हारे डेडपुल होने के बारे में किसी को नहीं बताऊँगा। तुम जेस बर्न्स से अच्छा बिहेव करते हो और तुम्हें मजाक करने की सेंस भी है। चलो तुम्हारे लिए वेपन्स देखे जाएँ। शॉर्टब्रेड डेडपुल को बताती है कि डिप्सन अंटार्कटिका से बाहर निकलने के लिए इकलौती ट्रेन में छिपेगा, और इसलिए तुम्हें भी उस ट्रेन पर चढ़ना है। अब डिजाइनर डेडपुल से कहता है कि एक बार तुम्हें डॉक्टर डिप्सन मिल जाए तो उसे पकड़कर हमारे पास एयरलिफ्ट करने के लिए ले आना। अब डिजाइनर डेडपुल को एक कैप्सूल दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारी व्हीकल के रूप में काम करेगा। अब डिजाइनर कैप्सूल को प्रेस करता है और नीचे गिराता है, जिससे कैप्सूल एक स्नोमोबाइल में कन्वर्ट हो जाती है। अब डिजाइनर डेडपुल से कहता है कि इस कैप्सूल को खा मत लेना। डेडपुल कहता है कि मुझे इतने सारे गैजेट्स देखकर मजा आ रहा है। शॉर्टब्रेड डेडपुल को बताती है कि डिजाइनर ने यह टेक्नोलॉजी हैंक पिम यानी कि एंटमैन से चुराई है, और तब से डिजाइनर हमारे साथ रह रहा है। जिस पर डिजाइनर कहता है कि पिम ये सब नहीं कर पाता जिस तरह से मैं ये सब करता हूँ, और वो दोनों बहस करने लगते हैं। उनके पीछे से डेडपुल कई सारे कैप्सूल उठा लेता है। अब डिजाइनर डेडपुल को एक फ़ोन दिखाकर कहता है कि ये फ़ोन तुम्हें डिप्सन को ढूंढने में मदद करेगा, इससे तुम किसी भी फ़ोन को हैक कर सकते हो। तुम्हें तब तक ट्रेन के डिब्बे में रहना है जब तक डिप्सन का पता नहीं लग जाता, और अगर तुम्हारा सामना गोर्गन के आदमियों से हो तो तुम्हारी घड़ी में सब कुछ है। डेडपुल शॉर्टब्रेड से पूछता है कि तुम इस मिशन में मेरे साथ क्यों नहीं चल रही। जिस पे शॉर्टब्रेड कहती है कि मैं एक फील्ड एजेंट नहीं बल्कि एक कोऑर्डिनेटर हूँ, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा इस मिशन के बारे में जानती हूँ। जिस पे डेडपुल कहता है कि प्रूव करके दिखाओ। हम देखते हैं कि शॉर्टब्रेड और डेडपुल दोनों अंटार्कटिका में प्लेन से नीचे उतर रहे हैं। शॉर्टब्रेड कह रही है कि इस काम में मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। नीचे उतरने के बाद शॉर्टब्रेड बताती है कि टैनर बेस पे इकलौता ट्रेन स्टेशन है जहाँ यह ट्रेन रुकने वाली है, और यह स्टेशन डिप्सन की फैसिलिटी के पास में ही है। अगर वो किसी तरह से बच गया होगा तो हम उसे इस ट्रेन में पकड़ सकते हैं। अब डेडपुल पूछता है, और तब क्या वो हमें अपने साइंस सीक्रेट्स बता देगा। जिस पर शॉर्टब्रेड कहती है कि उसके पास सीक्रेट्स तो हैं ही, लेकिन हम नहीं चाहते कि गोर्गन उस सीक्रेट तक पहले पहुँच जाए। तुम चिंता मत करो, तुम ही डिप्सन को सबसे पहले पकड़ोगे। और वो दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। पोलियक भी इस ट्रेन में बैठा न्यूज़पेपर के पीछे अपना चेहरा छुपा रहा है। ट्रेन में चढ़ने के बाद शॉर्टब्रेड वहाँ के लोगों के फ़ोन हैक करने लगती है ताकि वो डिप्सन के फ़ोन तक पहुँच सके। अब डेडपुल कहता है कि तुम्हें यहाँ होने का मज़ा लेना चाहिए, हम बिना फ़ोन के भी उसे ढूंढ सकते हैं। जिस पर शॉर्टब्रेड कहती है कि यहाँ पे गोर्गन के लोग भी हैं। जिस पर डेडपुल कहता है कि मेरे पास ऐसी घड़ी है जो मिसाइल छोड़ती है, हमें कुछ नहीं होगा। अब डेडपुल शॉर्टब्रेड के हाथ पे अपना हाथ रख देता है। तभी डेडपुल कहता है, माफ़ करना मैं अपने ग्लव्स पहन लेता हूँ। जिस पे शॉर्टब्रेड कहती है कि तुम्हें मेरे सामने ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, चलो कैफ़े कार में चल के थोड़ी चाय पी जाए।
अब वो दोनों ट्रेन के अंदर ही कैफे कार में पहुंच जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ ही देर में वेट्रेस डेडपूल की ड्रिंक लेकर आती है, लेकिन ड्रिंक पीने के बाद डेडपूल का दम घुटने लगता है। अब वेट्रेस कहती है कि मैंने जेस बंस की ड्रिंक में जहर मिला दिया था। अब डेडपूल अपनी घड़ी का यूज करने की सोचता है, लेकिन वेट्रेस डेडपूल से घड़ी छीनती हुई कहती है कि मैं ये घड़ी रख रही हूँ उस पैसे के लिए जो तुमने मुझसे कैसीनो में जीते थे। मैं जानती थी कि तुम वहाँ पर गोगन के बारे में जानने आए थे, लेकिन तुम पहले ही उठकर चल दिए। अब डेडपूल अपना मास्क हटा लेता है। मास्क हटाते ही पोलिया को पता चल जाता है कि वो जेस बंस नहीं बल्कि डेडपूल है, और वह ज़ोर से डेडपूल का नाम बोलता है। शॉर्ट ब्लड जहर डालने के लिए आर्या को मारने दौड़ती है, लेकिन आर्या शॉर्ट ब्लड को पंच मारकर पोलियक से पूछती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये डेडपूल है, ये तो जेस बंस है और कैसीनो की फायर के कारण ऐसा दिखाई दे रहा है। जिस पर पोलियक कहता है कि मैंने डेडपूल को बिना मास्क के देखा है और ये डेडपूल ही है। एक मिनट, क्या डेडपूल ही वो हत्यारा था जो कैसीनो में जेस बंस को मारने आया था? लेकिन डेडपूल ने जेस बंस को मार दिया। क्या आरंभ में हमेशा ही ऐसा करती है? क्या वो लोग हर टाइम जेस बंस के मरने के बाद उसे बदल देते हैं? अब डेडपूल पोलिया को एक पंच मारता हुआ कहता है कि हीलिंग फैक्टर की वजह से मैं ठीक हो चुका हूँ, मुझे दोबारा सांस लेकर अच्छा लग रहा है। अब गोल्डन के लोग डेडपूल पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिस पर डेडपूल जेब से कैप्सूल निकालता है और एक गार्ड के मुँह में डाल देता है। अब डेडपूल शॉर्ट ब्लड को छुपे रहने के लिए कहता है, जबकि शॉर्ट ब्लड डेडपूल के फ़ोन को हैक कर रही है ताकि वो ये पता लगा सके कि वो सच में जेस बंस है या डेडपूल। वहीं गार्ड के पेट में दर्द होने लगता है और उसके पेट से स्नोमोबाइल बाहर निकल कर आती है। अब डेडपूल हंसते हुए दो और कैप्सूल फेंकता है, जिसमें से एक गार्ड के ऊपर गिरती है, जबकि पोलियाक दूसरी कैप्सूल से बचकर निकल जाता है। अब कैप्सूल गेट के बाहर ट्रेन के दो डिब्बों के बीच में चली जाती है, जिसे ट्रेन के दोनों डिब्बों का कनेक्शन आपस में कट जाता है। अब डेडपूल देखता है कि उसके जस्ट आगे वाले डिब्बे में डिप्सन मौजूद था, लेकिन अब तो वो ट्रेन आगे निकल चुकी है। अब पोलियाक डेडपूल को तीन भरे हुए सोने के इंजेक्शन मार देता है। अब पोलियाक डेडपूल को घसीटते हुए कह रहा है कि मेडुसा एक्स डेडपूल से मिलना चाहेगी। डेडपूल शॉर्ट ब्लड से मदद मांगता है, लेकिन शॉर्ट ब्लड को पता चल चुका है कि जो अब तक उनके साथ था वो जेस बंस नहीं बल्कि डेडपूल था।